हे गाइज, मेरा नाम देवविंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है एमएस पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल नंबर 15। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 14 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इंसर्ट मेनू का पार्ट 3, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स ऑप्शन के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्लाइड फाइंडर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको राइट साइड में एक बटन मिलेगा ब्राउज का, तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपका ब्राउज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने फाइल का लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो मेरा फाइल है डेस्कटॉप के ऊपर, इसलिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं डेस्कटॉप के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहाँ पर सेव है ऑफिस इंट्रो के नाम से एक फ़ाइल, तो मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा ओपन का, तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्लाइड फाइंडर डायलॉग बॉक्स के अंदर आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे दिया है सेलेक्ट स्लाइड का ऑप्शन, तो इसमें आपको यहां पे अपने स्लाइड को सेलेक्ट करना है। ओके, तो जो आपने अपना फाइल ओपन किया था उसमें दो स्लाइड था जो आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, तो इसमें से आपको जिस भी स्लाइड को ओपन करना है उसके ऊपर आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा इंसर्ट का, और दूसरा आपको मिलेगा इंसर्ट आल का, तो आप यहां पे क्लिक करके आप अपने स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एक बार में सभी स्लाइड को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट आल के ऊपर क्लिक करिए, अगर आपको एक बार में वली एक स्लाइड को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया इंसर्ट आल के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा क्लोज का, तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं जो आपका फाइल था उसके सभी स्लाइड्स ओपन हो गए, आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, तो आप यहां पे क्लिक करके आप अपने स्लाइड्स को ओपन भी कर सकते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स ऑप्शन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।